इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों की मीटिंग के बाद से नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। गठबंधन के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक कई वरिष्ठ नेता ब्लॉक के संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित करना चाहते थे, लेकिन एंड वक्त पर नीतीश के हिंदी भाषा वाले बयान ने बात बिगाड़ दी। दरअसल मीटिंग में ममता बनर्जी की तरफ से पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करने के बाद अगली बड़ी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को संयोजक के तौर पर गठबंधन में बड़ी भूमिका देना था, लेकिन उन्होंने बैठक में हिंदी हिंदुस्तान विवाद को उठा दिया, जिसके बाद अन्य लोगों ने प्रस्ताव पर चुप रहना बेहतर समझा। नेताओं का कहना है कि नीतीश के अचानक नाराजगी जाहिर करने से उत्तर दक्षिण विभाजन की बहस छिड़ गई और उनके नाम को प्रस्तावित करने के लिए परिस्थितियां बदल गईं। इस बीच जेडीयू भी इन घटनाक्रमों से वाकिफ है। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि हम इस फैक्ट से अवगत हैं कि कुछ नेता संयोजक पद के लिए नीतीश जी का नाम चाहते थे। उनके पास बिहार के सीएम के रूप में लंबा प्रशासनिक अनुभव और केंद्रीय मंत्री के रूप में 6 साल का अनुभव है। जेडीयू नेता ने नीतीश के नाम के प्रस्ताव की वकालत की और कहा कि जब नया तीसरा मोर्चा लगभग आकार ले चुका था, जिसमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और केसीआर जैसे नेता शामिल थे, तब ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने उन्हें मनाया। ये नेता इस बात पर अड़े थे कि वे गैर कांग्रेसी विपक्षी गठबंधन बनाना चाहते हैं। हालांकि नीतीश जी इन नेताओं और कांग्रेस को समझाने में कामयाब रहे और सभी को पटना में एक मंच पर ले आए। इस प्रस्ताव के लिए दूसरा और कौन फिट होगा? वे शरद पवार के बाद इंडिया गठबंधन के सबसे अनुभवी नेता हैं। हालांकि टीआर बालू और नीतीश कुमार से जुड़ी बातें लीक किए जाने से जेडीयू नेता नाराज हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर ये जानकारी लीक करने का आरोप लगाया है। इस बीच कई कांग्रेसी नेताओं ने संयोजक वाली बात से इनकार करते हुए ऑन रिकॉर्ड ये तक कहा कि इंडिया ब्लॉक को संयोजक की जरूरत नहीं, क्योंकि चीजें सही दिशा और सुचारू रूप से चल रही हैं। वाम दलों के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से काम किया जा रहा है। अभी पूरा फोकस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को सुलझाने पर है, संयोजक पद पर नहीं। फोकस सीट शेयरिंग पर ही रहना चाहिए, हमारे पास वक्त कम है। हालांकि गठबंधन में कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो चाहती हैं कि नीतीश अध्यक्ष या संयोजक बने और गठबंधन को आगे बढ़ाएं। उनका तर्क है कि इससे यह गठबंधन जैसा दिखने लगेगा। वाम दलों में से एक वरिष्ठ नेता ने कहा, शुरू से ही कई दलों को इंडिया अलायंस के लिए एक अध्यक्ष और संयोजक जैसे पद की जरूरत महसूस हुई। इससे कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो जाएगा और मौजूदा ब्लॉक भी एक राजनीतिक गठबंधन की तरह दिखने लगेगा। इंडिया अलायंस के कई नेताओं का कहना है कि एक बार जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नाम पीएम फेस के लिए प्रस्तावित किया गया, तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाकर अलायंस को संतुलित कर दिया जाता। गैर कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने ये तर्क भी दिया कि संयोजक नियुक्त करने से क्रियान्वयन और संबंधित मुद्दों का समाधान हो जाएगा। जैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भोपाल में संयुक्त रैली आयोजित करने समेत कई निर्णय लिए थे, उन सभी पर कभी अमल नहीं हुआ। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकें, कैंपेन कमेटी की बैठकें भी नियमित नहीं की गई। सीट बंटवारे के लिए अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। ऐसे मुद्दों को सुव्यवस्थित करने और एक रोडमैप बनाने के लिए संयोजक होना जरूरी है।